Hey guys, welcome back to our channel Bollywood Bustle. मैं विंध्या. आज की टॉप खबरें सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. मैदान बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस. अजय देवगन स्टारर मैदान एक्सपेक्टेड नंबर्स तो नहीं कर पाई थिएटर्स में, लेकिन फिल्म डिसेंट परफॉर्मेंस देख रही है. पिछले दो दिनों से फिल्म 1.6 करोड़ की कलेक्शंस देख रही है और आज डे 7 पे भी 1.66 करोड़ की कलेक्शन हुई है. इससे मैदान की टोटल डोमेस्टिक कलेक्शंस पहुंची है 26.76 करोड़ पर. हालांकि मैदान को बड़े मियां छोटे मियां से ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज मिले, लेकिन कलेक्शंस के मामले में मैदान बड़े मियां छोटे मियां से बहुत पीछे चल रही है फिलहाल. सिंघम अगेन लेटेस्ट शूटिंग डिटेल्स. रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन से जुड़े एक क्लोज सोर्स ने रिवील किया कि रोहित आज से फिल्म की डांस नंबर की शूटिंग शुरू कर रहे हैं, जिसमें पूरी कास्ट यानी अजय देवगन, करीना कपूर, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर मौजूद होंगे. इनफैक्ट रणवीर और अक्षय भी इस गाने में स्पेशल अपीयरेंस देने वाले हैं. बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट्स के अनुसार गणेश आचार्य इस गाने को कोरियोग्राफ कर रहे हैं और इस सॉन्ग में करीब 400 बैकग्राउंड डांसर्स हैं और आज से इसे विले पार्ले में शूट किया जा रहा है. फिल्म से जुड़े सोर्स ने ये भी रिवील किया कि दरअसल इस सॉन्ग की शूटिंग 15 अप्रैल से शुरू की जाने वाली थी, लेकिन रोहित शेट्टी फिल्म की लास्ट लेग की शूटिंग गोल्डन टोबैको फैक्ट्री में करने में बिजी थे और उसी वजह से सॉन्ग की शूटिंग डिले होके आज से स्टार्ट हुई है. सूत्रों की माने तो फिल्म की पूरी स्टार कास्ट अगले 4 दिनों तक इस वाइब्रेंट गाने की शूटिंग करेंगे, लेकिन इस सॉन्ग में फिल्म की एक एक्टर नहीं जुड़ने वाली और वो है दीपिका पादुकोण. दीपिका फिलहाल प्रेग्नेंट है, जिसके चलते उन्होंने इस गाने में डांस करने से ऑप्ट आउट किया है. रिसेंटली रोहित शेट्टी की टीम ने अनाउंस किया था कि फिल्म अब अगस्त 15 को नहीं बल्कि दिवाली को रिलीज की जाने वाली है. खबरों के मुताबिक रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन फिलहाल अपने एक्सपेक्टेड स्केड्यूल से पीछे चल रही है, जिस वजह से उन्होंने फिल्म की रिलीज पोस्टपोन की है. रोहित शेट्टी इस महीने सिंघम अगेन की सारे रिमेनिंग सीन्स की शूटिंग कंप्लीट करने वाले हैं और वो अगले महीने खतरों के खिलाड़ी के लिए इंडिया से बाहर जाएंगे. वापस आने के बाद वो जुलाई अगस्त में फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन पर काम करेंगे और रिलीज की तैयारियां शुरू करेंगे. क्या नौरा फतेही और जॉन अब्राहम अब साथ नजर आने वाले हैं एक फिल्म में? साल 2022 में डायरेक्टर साजिद खान ने नौरा फतेही, रितेश देशमुख, जॉन अब्राहम और शहनाज गिल स्टारर 100% फिल्म की अनाउंसमेंट की थी. रिपोर्टेडली ये एक कॉमेडी फिल्म है जो शादी और लव के अराउंड रिवॉल्व करती है, पर 2023 में खबर आई थी कि ये फिल्म शेल्फ हो गई है. और आज एक इंटरव्यू में इस पर बात करते हुए नौरा ने बताया कि वो फिल्म फिलहाल तो नहीं बन रही क्योंकि मेकर्स उसकी कहानी में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, पर वो उम्मीद करती है कि शायद उन चेंजेस करने के बाद फिल्म फिर से बैक ऑन ट्रैक आ जाए. अजय देवगन की नेक्स्ट मूवी की रिलीज हुई अनाउंस. 2024 अजय देवगन के करियर का सबसे बड़ा साल होने वाला है क्योंकि उनकी 5 पिक्चर्स थिएटर्स में रिलीज हो रही है. शैतान और मैदान के बाद अजय देवगन अब नेक्स्ट नजर आने वाले हैं नीरज पांडे की औरों में कहा दमता में. रिपोर्ट्स की माने तो ये एक लव स्टोरी है जिसकी कहानी 20 साल स्पैन करेगी. और आज एक इंटरव्यू में इस फिल्म की बात करते हुए मूवी के प्रोड्यूसर ने कहा कि ये फिल्म इस साल जून या जुलाई में रिलीज होगा एंड मेकर्स मैदान की फेलियर से इफेक्ट नहीं हुए हैं और वो उससे पहले हिट हुए दृश्यम और शैतान पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. उनका मानना है कि उनकी कहानी अच्छी है और वो डेफिनेटली थिएटर्स में हिट होगी. और उन्होंने ये भी कहा कि मैदान को रिलीज हुए अभी सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं और फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, ऐसे में शायद फिल्म आने वाले दिनों में हाइक देखे. औरों में कहा दमता की प्लॉट को डिस्कस करते हुए ये भी बताया गया कि ये एक टिपिकल नीरज पांडे लव थ्रिलर है जिसमें अजय देवगन के साथ जिमी शेरगिल और साई मांजरेकर नजर आने वाले हैं. आपको बता दें कि इनिशियली मेकर्स ने अनाउंस किया कि औरों में कहा दम था अप्रैल 26 को रिलीज होने वाली है, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि फिल्म पोस्टपोन हो गई है. इस पोस्टपोनमेंट की वजह तो रिवील नहीं की गई, लेकिन सूत्रों की माने तो फिल्म की सारी शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है एंड शायद इस फिल्म की पहली झलक जल्द रिलीज करेंगे मेकर्स. अजय औरों में कहा दमता के बाद रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन में नजर आएंगे. समंता और वरुण धवन की दोस्ती आज वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे. वरुण धवन ने आज अपने इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर शेयर की जिस पर सबसे पहले उनकी सिटाडेल कोस्टा समंता ने कमेंट किया. समंता ने वरुण को कॉम्प्लीमेंट करते हुए लिखा,
अरे ये टीनेजर कौन है? और इसका रिप्लाई देते हुए वरुण ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद ये लड़का इस समर एक बहुत ही हॉट लड़की के साथ एक सीरीज में काम करने वाला है। इन दोनों की ये ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री देख के लोग सिटाडेल के लिए बेताब हो रहे हैं। भुवन बाम की ताज़ा खबर सीजन 2 की नई अपडेट्स हुई रिलीज। भुवन बाम ने रिसेंटली ताज़ा खबर सीजन 2 की अनाउंसमेंट की और इनफैक्ट भुवन हाल ही में मुंबई में स्पॉट भी किए गए थे ताज़ा खबर 2 की शूटिंग करते हुए। और आज सेट से कुछ और पिक्चर्स रिलीज हुई है जिसमें हम देख सकते हैं कि भुवन और शो के दूसरे कास्ट मेंबर्स केक काट रहे हैं। सूत्रों की माने तो ताज़ा खबर सीजन 2 आज रैप अप हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि मेकर्स इस सीरीज की नेक्स्ट झलक कब ड्रॉप करते हैं। आपको बता दें कि भुवन ताज़ा खबर 2 के अलावा एक और थ्रिलर में भी काम कर रहे हैं जिसकी डिटेल्स नेक्स्ट कुछ हफ्तों में रिलीज होने वाली है। हीरा मंडी के कास्ट की फीस कितनी है? संजय लीला बंसाली की OTT डेब्यू सीरीज हीरा मंडी के लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस सीरीज की बजट है 200 करोड़। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसमें से हीरा मंडी की कास्ट की फीस कितनी है। रिपोर्टेडली सोनाक्षी सिन्हा ने सबसे ज्यादा चार्ज किया है और उनकी फीस है 2 करोड़। मनीषा कोयराला की सैलरी है 1 करोड़। अदिति राव हैदरी की सैलरी है 1 to 1.5 करोड़। ऋचा चड्ढा की सैलरी है 1 करोड़। संजीता शेख की सैलरी है 45 लाख और शारमिन सहगल की सैलरी है 35 लाख। अपने फियांसे सिद्धार्थ के लिए ये है अदिति की स्पेशल विशेस। रिसेंटली अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ ने अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की थी और इसी के चलते आज सब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अदिति सिद्ध को उनके बर्थडे पर कैसे विश करेगी। अदिति ने आज शाम को अपने इंस्टाग्राम पे इन दोनों की नेवर सीन बिफोर पिक्स पोस्ट करते हुए सिद्धार्थ के लिए एक स्पेशल मैसेज लिखा। उन्होंने लिखा कि सिड उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है और वो हर बात में उन्हें सपोर्ट करेगी। टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में जुड़ी ये इंडियन एक्ट्रेस। इस साल टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में शामिल होने वाली इकलौती बॉलीवुड एक्टर है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट की हॉलीवुड डेब्यू हार्ट ऑफ स्टोन में उनके साथ काम करने वाले डायरेक्टर टॉम हार्पर ने इस बात को अनाउंस करते हुए आलिया की तारीफ की और बताया कि वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक है। इसके बाद टॉम ने लिखा कि आलिया की सुपर पावर यही है कि वो अपने मूवी स्टार वाले अंदाज को सेंसिटिविटी के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स करती है। वो बहुत ही ग्राउंडेड और टैलेंटेड इंसान है और पिछले 10 सालों से वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तो अपने एक्टिंग से सबका दिल जीत ही रही है, लेकिन वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन और फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। आपको बता दें कि आलिया के अलावा इस लिस्ट में इंडियन ओरिजिन एक्टर डायरेक्टर देव पटेल भी मौजूद है और इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन साक्षी मलिक भी मौजूद है। साक्षी ने पिछले साल सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ बहुत बहादुरी से लड़ाई की जिसके चलते वो इस लिस्ट में शामिल हुई है। हालांकि लिस्ट आज शाम को रिलीज की गई है, लेकिन अभी तक आलिया, साक्षी या देव ने इस पर अपने रिएक्शंस नहीं दिए। ऐसे में देखना होगा कि इस आइकॉनिक रिकॉग्निशन के चलते इंडस्ट्री के लोग और ये तीनों कैसे रिएक्ट करते हैं सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि इन तीनों के अलावा इस साल टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में शामिल हुए हैं हॉलीवुड स्टार्स दुआ लिपा, जेफरी राइट, सोफिया कोपोला, माइकल जे फॉक्स और एलियट पेज। कबीर सिंह में एक्ट करना रिग्रेट करते हैं ये एक्टर। आदिल हुसैन ने आज एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उनके करियर में वो एक ही चीज रिग्रेट करते हैं और वो है संदीप रेड्डी वांगा की कबीर सिंह में काम करना। आदिल ने बताया कि उन्होंने कबीर सिंह की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही वो मूवी साइन की थी और जब वो थिएटर में फिल्म देखने गए तो वो एम्बेरस हो गए कि उन्होंने ऐसी मिसोजिनिस्टिक फिल्म में काम किया। इस इंसिडेंट को नरेट करते हुए आदिल ने बताया कि उन्होंने सिर्फ एक ही सीन पढ़ी थी और क्योंकि वो अच्छी थी तो उन्होंने मान लिया था कि फिल्म भी ऐसी ही होने वाली है। आपको बता दें कि आदिल ने उस फिल्म में कबीर के लेक्चरर का रोल निभाया था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।